तो यहाँ पे अपन पढ़ रहे थे कि अपने पास में जो अपन पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो यहाँ हमने बेसिक के फॉर्म में इसको कंप्लीट किया था। तो हमने यहाँ पढ़ा था कि पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स वो जो कि अपने आप में क्या है कि बहुत सारे रिंग्स अपने आप में मिलकर न्यूक्लियस करके एटम्स बना रही है। उसके बाद में हमने इसी का क्लासिफिकेशन पढ़ा था। तो यहाँ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमने कर दिया था कि पॉली न्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, दो टाइप के अकॉर्डिंग, बेंजीडाइट और नॉन बेंजीडाइट के अंदर। एजोलिन अपन ने क्या कर दिया, नॉन बेंजीडाइट आ गया अपने पास। बेंजीडाइट के अंदर भी अपन ने कहा था कि आइसोलेटेड और फ्यूज रिंग। तो आइसोलेटेड के अंदर हमने पढ़ा था यहाँ कि बाइफेनाइल अपने पास है और फ्यूज में अपने पास लीनियर और एंगुलर है। तो लीनियर के अकॉर्डिंग अपने पास नेफ्रिन और एंथ्रासिन हमने देखा था और एंगुलर के अकॉर्डिंग हमने फिनेथ्रिन को अपने स्टडी किया था। ठीक है, तो यहीं पे अपने पास फर्दर अपने पास इम्पोर्टेंट अपन स्टार्ट करेंगे आज। आज अपने पास टॉपिक होगा नेफ्थलिन। तो नेफ्थलिन अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे इस तरह की दो अपने पास में एरोमेटिक रिंग्स आपस में जॉइंट कंडीशन में, इसको अपन क्या कह रहे हैं, नेफ्थलिन कह रहे हैं। नेफ्थलिन के अंदर अपने पास क्या हो रहा है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सो नेफ्थलिन इज एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इन विच टू बेंजीन रिंग्स आर फ्यूज्ड इन ऑर्थो पोजिशन। तो यहाँ ऑर्थो पोजिशन अपन कह रहे हैं तो ये वाली पोजिशन थे, इस पोजिशन को अपन बोलते हैं ऑर्थो। तो दोनों अपने आप में ऑर्थो पोजिशन पे अपने आप में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब अपन ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट वर्क क्या होता है कि जो भी स्टूडेंट सामने बैठे हैं उनके अंदर रिटर्न वर्क करने का भी काबिलियत होनी चाहिए कि साथ के साथ कागज पे कुछ स्ट्रक्चर बनाते जाए फॉर द पर्पज ऑफ नेमिंग। तो अपन अगर नंबरिंग इसके अकॉर्डिंग अगर नाम देते हैं तो यहाँ पे अगर अपन जब भी अपन फ्यूज एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स या फ्यूज रिंग का नोमनक्लेचर करते हैं तो हमेशा अपन याद रखते हैं कि जब भी फ्यूज रिंग का नॉर्मल क्लचर कर रहे हैं तो जॉइंट की तरफ कभी भी नंबरिंग नहीं देंगे। ठीक है, तो हमेशा क्या याद रखना है, ऐसा नहीं होगा कि 1 2 3 या फिर यहाँ से 1 2 3, ऐसे कभी नहीं करेंगे। कभी भी नंबरिंग देंगे तो जॉइंट की तरफ कभी भी नंबर अपने आप में नहीं आएंगे, नंबर ऐसे ही आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, या फिर 8 से अपन कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जब भी अपन फ्यूज रिंग में नंबरिंग देंगे तो हमेशा इस जॉइंट से आउटर साइड में ही अपने पास नंबरिंग दी जाएगी। तो अगर अपन इस वाले कार्बन को सेलेक्ट कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे नंबरिंग में भी वही कंसेप्ट लगेगा जो अपन एल्केन एल्कीन में लगाते आ रहे हैं, नोमेनक्लेचर का अपन IUPAC वाला कंसेप्ट लगाया। अगर यहाँ पे अगर कोई फंक्शनल ग्रुप अपने पास जुड़ा होगा तो उसके अकॉर्डिंग अपन उसको फर्स्ट प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग, अगर मान लो 8 पे OH होता तो इसको अपन फर्स्ट प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर यहाँ पे COOH होता और यहाँ पे OH ग्रुप होता तो इसको अपन फर्स्ट नंबरिंग के अकॉर्डिंग अपन उसको नंबरिंग उसके अकॉर्डिंग, तो अपन को इस डायरेक्शन में जाएंगे या इस डायरेक्शन में जाएंगे, कभी भी जॉइंट की तरफ अपन नंबरिंग नहीं देंगे। तो ये अपन को नोमेनक्लेचर में याद रखना है। यहाँ पे अपन नेफ्थलीन पढ़ रहे हैं तो ये नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर हो गया अपने पास जॉइंट, अपने पास बेंजीन रिंग है, अपने पास दो बेंजीन रिंग है जो कि ऑर्थो पोजीशन पे जॉइंट है, तो इसको अपन बोल देंगे नेफ्थलीन। ठीक है, तो नेफ्थलीन का जब भी अपन आइसोलेशन करेंगे तो आइसोलेशन अपन किससे करेंगे, कोलतार से करेंगे। कोलतार अपने पास क्या होगा, जब भी कोलतार से करेंगे तो कोलतार के अंदर 6 to 7% अपन को नेफ्थलीन मिल जाता है। जब भी इसको अपन नेफ्थलीन को करेंगे तो इसके अंदर अपन फ्रैक्शनल, जो अपन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के फॉर्म में अपन यूज करते हैं, तो यहाँ पे जब नेफ्थलीन को करते हैं तो नेफ्थलीन फ्रैक्शनेशन का नाम भी अपन क्या करते हैं, नेफ्था फ्रैक्शन ही रखते हैं। ठीक है, तो नेफ्था फ्रैक्शन जबकि अपने आप में टेम्परेचर कितना होगा, 160 to 230 डिग्री सेल्सियस। तो डिस्टिलेशन प्रोसेस अपन समझते हैं, डिस्टिलेशन में अपन क्या करते हैं, सिंपल डिस्टिलेशन भी अपन ने किया होगा तो क्या करते हैं अपने पास, जैसे गांधी जी ने नमक बनाया था, ठीक है, तो उसी तरह का डिस्टिलेशन फ्रैक्शनल में अपन क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कोई कोलम अपन ने यूज कर दिया, जो अपने पास वेपर है उसका अपन ने पाथ लेंथ बढ़ा दिया, तो उसी तरीके से अपन यहाँ पे डिस्टिलेशन जो अपन कंडेंसेट फॉर्म में अपन डिस्टिलेशन कर रहे हैं कंडेंसेटर लगा के, तो उसके अंदर अपन जो फ्रैक्शन कर रहे हैं तो वहां पे अपन टेम्परेचर रखेंगे 160 to 230 डिग्री सेल्सियस। इसके अंदर अपन को नेफ्थलीन अपने आप में जब ठंडा होगा तो उसके क्रिस्टल अपने आप में व्हाइट व्हाइट क्रिस्टल अपन को वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, अब इन क्रिस्टल को अगर अपन को अलग करना है तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस से अपन इन क्रिस्टल को अलग कर देंगे। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन कंडीशन में जबकि अपन क्या कर रहे हैं, कूलिंग कंडीशन रख रहे हैं। ठीक है,
कूलिंग कंडीशन क्यों? क्योंकि जो नेफ्थलीन है अपने आप में उसके अंदर क्या नेचर होता है, सब्लिमेशन का नेचर होता है, ये सब्लिमेट होके उड़ जाएगा, इसलिए कूलिंग कंडीशन में अपन इसको सेंट्रीफ्यूज करके अलग करेंगे। तो यहाँ अपन किससे आइसोलेट कर रहे हैं, कोलतार से आइसोलेट कर रहे हैं। कोलतार से आइसोलेट करने के लिए अपन ने क्या कर दिया, इसका जो नेफ्था फ्रैक्शन है उसके अंदर 162-230 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रखा और सेंट्रीफ्यूगेट करके जो क्रिस्टल बने उसको अपने अलग कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से अपन इसको अलग करेंगे। दीज आर मेल्टेड एंड देन ट्रीटेड सफिशियंटली विद द कंसेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड टू रिमूव द फिनॉल्स एंड फाइनली द नेफ्थलीन इज सब्लिमेटेड टू गिव द प्योर प्रोडक्ट। अब जो अपन ने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अपन ने जो अपने पास डिस्टिलेशन प्रोसेस है अपन ने यहाँ पे सेंट्रीफ्यूग करके जो अपने पास नेफ्था अपन ने नेफ्थलीन प्राप्त किया है, वो नेफ्थलीन प्योर फॉर्म में नहीं है। उस प्योर फॉर्म में उसको बनाने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, उसके अंदर जो नेफ्थलीन है उसके साथ में फिनोल भी अपने पास इंप्यूरिटी के फॉर्म में जनरेट हो गया है। तो अपन क्या करेंगे, उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड जो कंसेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड है उसको अपन उसके साथ में रिएक्ट कराएंगे, तो जिससे क्या होगा, जो भी फिनोलिक इम्प्योरिटीज है वो उसके अंदर निकल जाएगी और बाद में अपन क्या करेंगे, सब्लिमेशन फॉर्म में अगर अपन लिक्विड को सब्लिमेट करेंगे तो सब्लिमेट होके वेपर फेज में नेफ्थलीन दूसरे साइड में अपने पास कंडेंसेट हो जाएगा और वो अपने पास प्योर फॉर्म में नेफ्थलीन हो जाएगा। नेफ्थलीन्स अगर तुमने देखा होगा तो मार्केट में अपने पास नेफ्थेनॉल के अपने पास बॉल्स आती है व्हाइट फ्रेंड्स, ठीक है, तो वो भी किससे बना होता है, नेफ्थलीन से। तो उसी के अकॉर्डिंग अपन उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझ सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अगर कहें तो ये क्या होगा कि व्हाइट सॉलिड अपने पास मिलेगा यहाँ पे जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, जिसको अपन शाइनी प्लेट्स के रूप में अपन अलग कर सकते हैं। इसका अगर अपन मेल्टिंग पॉइंट देखें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट अपने पास 80 डिग्री सेल्सियस है, बॉइलिंग पॉइंट अपने पास 218 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और इसकी अपने पास में स्ट्रॉन्ग वेपर अपने पास आएगी, जैसे कि तुमने नेफ्थलीन बॉल्स की तुमने वेपर देखी है वैसी तरह की वेपर की इसमें अपन को वहां पे दिखाई देगी। जब भी इसको रेडिली वार्म करेंगे तो ये अपने पास क्या होगा, अपने आप में निकल के सब्लिमेट हो जाएगा। नेफ्थलीन इज इनसोल्युबल इन वाटर, अगर इसको पानी में डिजोल्व करेंगे तो ये पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होगा। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर अपन कहें तो ईथर और बेंजीन के अंदर इजीली डिजोल्व हो जाए। तो ये अपने पास प्रॉपर्टीज है जो तुम्हें याद रखनी है, कौन कौन सी होगी, व्हाइट सॉलिड के फॉर्म में अपने पास नेफ्थलीन मिलेगा, शाइनी प्लेट्स के फॉर्म में मार्केट में अपन को मिल जाता है, क्रिस्टल्स मिलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट इसका 80 है, बॉइलिंग पॉइंट 280 डिग्री सेल्सियस है, इसकी जो वेपर है इसकी एक स्ट्रॉन्ग ऑडर जो अपने पास नेफ्थलीन की गोलियों की स्मेल आती है वैसी स्मेल है। सब्लिमेशन से अपन इसको अगर हीट करेंगे तो ये अलग हो जाएगा, जैसे कपूर सब्लिमेट हो जाता है वैसे ये भी सब्लिमेट होगा, वाटर में इंसॉल्युबल है और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व हो, ठीक है। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व है इसका मतलब ये नॉन पोलर नेचर का है, क्लियर। केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो इसको अपन कंपेयर करने की कोशिश करते हैं बेंजीन से, मगर बेंजीन के अकॉर्डिंग रिएक्टिविटी इसका अगर अपन देखें तो इसकी वन पोजीशन के अकॉर्डिंग इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो रिएक्शन ऑफ नेफ्थलीन आर एसेंशियल टू द सेम एज द बेंजीन। तो अपन यहां पे बेंजीन के अंदर अगर अपन रिएक्शन देखते हैं तो अपन क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, तो जो भी बेंजीन की रिएक्शन हो रही है वही रिएक्शन अपन यहां पे केमिकल रिएक्शन के अंदर लिख सकते हैं। इट अंडरगोस द सब्स्टिट्यूशन रेडिली एंड फॉर्म द एडिशन प्रोडक्ट एंड हाउएवर इट इज somewhat less aromatic than the benzene। तो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये कि ये अपने पास बेंजीन के मुकाबले में लेस एरोमेटिक है, ठीक है, याद रखना इसको। जनरली होता क्या है कि दो बेंजीन रिंग दिख रही है, अगर होता है तो बच्चे क्या कर देते हैं, नेफ्थलीन को बेंजीन के मुकाबले में जल्दी से एरोमेटिक ज्यादा बता देंगे, मगर ऐसा नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अपन जो इसकी बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ के अंदर वेरिएशन है, ठीक है, तो उसकी वजह से अपने आप में क्या हो रहा है, इसके अंदर वैसे नेचर नहीं आ रहे हैं जैसे कि बेंजीन के अंदर आ रहे हैं। अपन बेंजीन के अंदर देखते हैं तो सारे बॉन्ड क्या है, अपने आप में सेम लेंथ के, मगर यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है वो अपने आप में वेरी हो जाती है। दस द डबल बॉन्ड इन नेफ्थलीन इज एग्जिबिट इन पार्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्किन्स, ठीक
ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास एल्किन्स वाला नेचर भी है एंड इट फॉर्म द एडिशनल कंपाउंड्स मोर रेडिली देन डज द बेंज। तो यहाँ पे कुछ बॉन्ड ऐसे हैं जिसके अंदर डबल बॉन्ड वाला नेचर है और कुछ बॉन्ड ऐसे हैं जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड वाला नेचर ज्यादा है। ठीक है, तो इसको भी अपन यहाँ पे देखेंगे, वन पोजिशन वाले पे कौन अलग रिएक्शन होगी, सेकेंड पोजिशन पे अलग रिएक्शन होगी, अभी रिएक्शन में नीचे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन यहाँ देख रहे हैं सेचुरेशन और अनसेचुरेशन वाला कंसेप्ट जैसा कंसेप्ट दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ अपन क्या करें, एज सून एज द वन ऑफ द रिंग इज फुल्ली सेचुरेटेड बाय द एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन और हैलोजन, तो एक रिंग अपने आप में जल्दी से अपने पास में क्या हो सकती है, टोटली सेचुरेटेड हो सकती है। तो यहाँ अपन ब्रोमो कंपाउंड जो रिएक्शन बनाएंगे वो आसानी से क्यों बनेंगे इसके अंदर, बेंजीन रिंग के अंदर, उसका भी रीजन अपने पास यही है। तो केमिकल रिएक्शन में हमने क्या देखा कि बेंजीन के मुकाबले में यहाँ पे एरोमेटिक नेचर कम है, दिखने में दो रिंग दिखती है एरोमेटिक जैसी, मगर एरोमेटिक नेचर इसके अंदर बेंजीन के मुकाबले में कम है। उसका मेन रीजन क्या है, इसके अंदर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड वाला नेचर इसके अंदर प्रेजेंट है। बेंजीन में तो अपन क्या कह रहे हैं कि सारे बॉन्ड सेम लेंथ के, मगर यहाँ डिफर है। इसी की वजह से जब अपन एडिशनल रिएक्शन करते हैं तो एक रिंग टोटली सेचुरेटेड हो जाती है। अब इसके बाद अपन बात करेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ अपने आप में रेजोनेंस स्ट्रक्चर इस तरह की रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिख रही है। ठीक है, एक बॉन्ड रिंग के अंदर रेजोनेंस हो रहा है, इधर इसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है और ओवरऑल अपन इसको इस तरीके से बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ दो कंसेप्ट दिख रहे हैं, देखो फर्स्ट और सेकेंड के अकॉर्डिंग और थर्ड के अकॉर्डिंग। तो रेजोनेंस के अकॉर्डिंग अपन यहाँ देखते हैं, तो यहाँ जब भी अपन रेजोनेंस देखते हैं तो अपन क्या करते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज अपन करते हैं जो सेवन सेम में तुम पढ़ोगे लास्ट में, लास्ट सेम में। तो यहाँ अपने आप में क्या है, अनलाइक बेंजीन ऑल कार्बन कार्बन और इन एथिलीन आर नॉट ऑफ द सेम लेंथ। तो यहाँ पे बेंजीन की तरह सारे बॉन्ड अपने आप में क्या है, सेम लेंथ के नहीं है। अगर अपन कहें कार्बन वन और कार्बन टू, तो यहाँ पे इसके अंदर अपने आप में बॉन्ड लेंथ कितनी है, 1.36, और अगर 2 और 3 के अंदर अपन जाए तो सी, यहाँ पे सी है, सी 3 के अंदर जाए तो 1.4। तो 1.4 नियर अपने पास किसके अंदर है, सिंगल बॉन्ड के अकॉर्डिंग दिख रहा है, और सी 1 से टू 2 के अकॉर्डिंग अपन देख रहे हैं तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड जैसा नेचर दिख रहा है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड दोनों का नेचर दिख रहा है। तो यहाँ पे सी 1 और सी 2 के अंदर अगर अपन देख रहे हैं तो ये अपने पास में डबल बॉन्ड का नेचर दिखेगा, और 2 और 3 के अंदर अपने आप में क्या दिखेगा, सिंगल बॉन्ड वाला नेचर अपने आप में ज्यादा दिख रहा है। तो इसकी लेंथ तो 1.4 है और इसकी 1.36 है एंगस्ट्रॉम, तो ये छोटा है और ये वाला बड़ा है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे दिस डिफरेंस कैन बी अंडरस्टूड इफ वी एग्जामिन द थ्री रेजोनेंस फॉर्म्स गिविंग द अबव नोटिस एट द C1 C2। तो यहाँ पे अपन ने नीचे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देख लिया, तो रेजोनेंस के अकॉर्डिंग भी दिख रहा है। यहाँ पे अगर अपन इधर से देख रहे हैं तो ये वाला बॉन्ड अपने पास डबल बॉन्ड नेचर में आ रहा है, इधर से देख रहे हैं तो ये वाला बॉन्ड अपने पास में डबल बॉन्ड नेचर आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब 7-8 और इधर अपने 1-2 दोनों एक जैसे ही है सिमिलरिटी में। तो यहाँ पे ओवरऑल क्या दिख रहा है कि ये डबल बॉन्ड नेचर शो कर रहा है और ये सिंगल बॉन्ड नेचर अपने आप में शो हो रहा है। ठीक है, तो इसकी वजह से अपन क्या कहते थे, सिंगल इन ओनली सी, तो अपन सी के अंदर अपन यहाँ पे देख रहे हैं। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर में दो रेजोनेंस स्ट्रक्चर डबल बॉन्ड दिखा रही है 1-2 पोजीशन पे, और सी वाली अपने आप में क्या बता रही है, कम। तो कौन सी अपने पास ज्यादा हुई, ये वाली रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा हुई, तो इसका मतलब डबल बॉन्ड नेचर 1-2 पे ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, और 2-3 पे सिंगल बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग अपने यहाँ पे इसकी अलग अलग रिएक्टिविटी बेंजीन के अकॉर्डिंग अलग अलग है, उसको अपन समझ सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग अपन देख रहे हैं तो यहाँ पे अपन एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग बोलते हैं तो 61 किलो कैलोरी, दिस वैल्यू इज लेस देन द ट्वाइस द अमाउंट ऑफ द सिंगल बेंजीन रिंग। तो बेंजीन रिंग के अकॉर्डिंग अगर अपन देख रहे हैं तो बेंजीन रिंग में अगर अपन एनर्जी देखते हैं तो कितना होता है पर मोल के अकॉर्डिंग, 36। अगर इसको अपन डबल करें तो कितना होगा, तो इसका डबल अपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 72।
यहाँ पे 72 नहीं है, यहाँ कितना है 61। तो ये अपने आप में ये बताता है कि इसके अंदर रिजोनेंस इफेक्ट जो बेंजीन से है वो अलग है। एज ए रिजल्ट नेफ्रिन इज समवॉट लेस एरोमेटिक। तो एरोमेटिक अपने पास क्या है, ये अपने आप में कम हो, मोर रिसीव देन एनर्जी। तो अगर अब यहाँ पे पूछा जाता है कि रिजोनेंस एनर्जी के अकॉर्डिंग नेफ्थलीन की एरोमेटिसिटी को समझाओ, तो यहाँ अपन इस एग्जांपल को ले सकते हैं। यहाँ अपन क्या लेंगे, रिजोनेंस एनर्जी जो नेफ्थलीन की है वो कितनी है, 61 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, जो कि अपने आप में क्या है, बेंजीन रिंग की जो अपने पास एनर्जी है वो अपन क्या करें, 36 किलो कैलोरी पर मोल। तो यहाँ पे रिजोनेंस एनर्जी जो बेंजीन रिंग की है वो कितनी है, 36। अगर दोनों अपने पास एरोमेटिक रिंग के अकॉर्डिंग, बेंजीन के अकॉर्डिंग अपन लेते हैं, तो यहाँ पे कितनी होती है, 72 किलो कैलोरी पर मोल होनी चाहिए। मगर ये 72 किलो कैलोरी पर मोल ना होके उससे कम है, तो इसका मतलब ये अपने आप में क्या कह रहे हैं, रिजोनेंस एनर्जी के अकॉर्डिंग भी अपने आप में क्या है, लेस स्टेबल है। तो एरोमेटिक नेचर के अकॉर्डिंग अपन यहाँ इसको समझ सकते हैं कि एरोमेटिक नेचर इसके अंदर कम है। तो ये अपने पास किसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल हो गया, अपने पास नेप्थलीन का रिजोनेंस एनर्जी के अकॉर्डिंग। उसके बाद में ये डायग्राम, तो यहाँ पे अपने आप में अगर रिजोनेंस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द रिजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ नेप्थलीन, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके अंदर 1 और 2 बॉन्ड को एक्सप्लेन करेंगे, फिर 2 और 3 बॉन्ड को एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद रिजोनेंस एनर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एरोमेटिसिटी को अपन यहाँ पे नेफ्लिन को एक्सप्लेन करेंगे। तो इस तरीके से ही अपने आप में एक छोटा क्वेश्चन अपन यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अपन करेंगे प्रिपरेशन ऑफ नेफ्लिन। तो नेफ्लिन की प्रिपरेशन अपन कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले अपने पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग 3-बेंजोइल प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही रिएक्शन या प्रिपरेशन स्टार्ट होती है, तो इनको अच्छे से याद रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, इनको कॉपी पे बना बना के ज्यादा से ज्यादा बार देखना है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा बार याद होगी, देखने से याद नहीं होगी। जब तक तुम इसके ऊपर प्रैक्टिकल वर्क नहीं करोगे, कॉपी के अंदर नहीं बनाओगे, याद नहीं होगी। तो यहाँ अपने पास क्या हो गया, 3-बेंजोइल। तो बेंजोइल अपने पास यहाँ से 3-बेंजोइल प्रोपियोनिक एसिड, तो अपने पास प्रोपियोनिक एसिड अपन ने यहाँ बना दिया, तो ये अपने पास प्रोपियोनिक, तो 1, 2, 3, तो 3-बेंजोइल। तो ये अपने पास यहाँ से अगर अपन काटे इसको, तो ये अपने पास कौन सा ग्रुप हो गया, बेंजोइल ग्रुप। ठीक है, तो बेंजोइल क्लोराइड अगर अपन बोलते तो अपन क्या करते थे, यहाँ से इस पे Cl लगा देते। ठीक है, तो ये वाला ग्रुप अपने पास हो गया बेंजोइल ग्रुप। तो यहाँ पे कौन सी पोजिशन पे, इसके प्रोपियोनिक एसिड के कौन सी पोजिशन पे, 1, 2, 3, 3 पोजिशन पे ये जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे 3 पोजिशन है, तो 3-बेंजोइल, तो ये अपने पास एक सब्स्टिट्यूट हो गया, 3-बेंजोइल प्रोपियोनिक एसिड। व्हेन 3-बेंजोइल प्रोपियोनिक एसिड इज हीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड, अल्फा नेफ्थोन इज प्रिपेयर्ड। तो अपने पास क्या हो गया कि अगर 3-बेंजोइल नेफ्थलीन, तो अपने पास क्या हो जाएगा, अल्फा नेफ्थलीन और अपने पास बन जाएगा तो नेफ्थेनॉल। तो अल्फा नेफ्थेनॉल का मतलब ओल आ रहा है, ओल का मतलब एल्कोहलिक ग्रुप। तो अल्फा नेफ्थेनॉल अपन इससे बना सकते हैं। ठीक है, व्हिच ऑन डिस्टिलेशन विद द जिंक डज फॉर्म द नेफ्थलीन। यहाँ पे जो OH ग्रुप यहाँ बनेगा, वो OH ग्रुप क्या होगा, बाद में अपने पास में जिंक डस्ट रिएक्शन करेगा, तो जिस ड्रग से अपन रिएक्शन कराएंगे तो ये अपने पास नेफ्थलीन बन जाएगा। जब भी अपन जिंक डस्ट रिएक्शन कराया, तो ये अपने पास एल्केन बनाने वाली जो अपने पास एल्कोहल से अपन रिएक्शन पड़ी है, उसी तरीके की रिएक्शन होगी। ठीक है, एल्कोहल से बनाया ROH, ROH को जब जिंक से रिएक्शन करते हैं तो क्या बन जाता है, RHZNO। उसी तरह के रिएक्शन यहाँ पे अपने पास एल्कोहल से एल्केन बनाने वाली रिएक्शन है, वैसे ही अपने पास जो अपने पास एल्कोहलिक OH ग्रुप हटके अपने पास नेफ्थलीन बन जाए। तो यहाँ पे 3-बेंजोइल प्रोपियोनिक एसिड है, 3-बेंजोइल प्रोपियोनिक एसिड किसमें चेंज होगा, एल्फा नेफ्थलोन। तो एल्फा नेफ्थलोन की स्ट्रक्चर क्या होगी, यहाँ से इंटरमीडिएट इसने बनाया है, मतलब तुम क्या करना, यहाँ से एक लाइन खींच के यहाँ पे क्या बनाओगे, एल्फा नेफ्थलोन। एल्फा नेफ्थलोन क्या हो गया, ये जो नेफ्थलोन की स्ट्रक्चर है उसके ऊपर यहाँ पे OH ग्रुप जोड़ देना, फिर आगे लाइन बना के अपन क्या करेंगे, जिंक से रिएक्शन कराएंगे, जिंक टेस्ट है तो OH अपने पास है, तो उसमें से ऑक्सीजन निकल जाएगा और यहाँ पे नेफ्थलीन बन जाएगा और ZNO बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, बेंजोइल प्रोपियोनिक एसिड से अपन क्या बना देंगे, एल्फा नेफ्थेनॉल बना देंगे, जिसको अपन वापस क्या कर देंगे,
ऑक्सीजन उसके अंदर से एल्कोहलिक ग्रुप से हटा देंगे, किससे रिएक्शन करके, जिंक डस्ट से अपने पास नेफ्थलीन अपने पास बन जाए। तो ये स्ट्रक्चर बनेगा जहाँ तीर का निशान बना के अपने पास अल्फा नेफ्थोन, अल्फा नेफ्थोन मतलब यहाँ पे OH ग्रुप, और फिर जिंक से रिएक्शन कराए तो यहाँ पे नेफ्थलीन अपने पास बन जाएगा। ठीक है, सेकेंड अपन इसके अंदर बना रहे हैं 4-phenyl-1-butene। तो 4-phenyl-1-butene से अगर अपन रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ पे अपने पास क्या है, 4-phenyl ये स्ट्रक्चर अपने पास ब्यूटीन। तो ब्यूटीन के अंदर अपन ने इसको इस चेन को सेलेक्ट किया आईपीएसी के अकॉर्डिंग, 1, 2, 3, 4। 1-butene मतलब पहले पे डबल बॉन्ड, 4 के अकॉर्डिंग क्या लिखा है, फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो फिनाइल ग्रुप को अपन 5 से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो फोर्थ पोजिशन पे तो 4-phenyl-1-butene, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब अगर अपन इसको रिएक्शन करा रहे हैं किससे, कैल्शियम ऑक्साइड से हीट करेंगे, तो कैल्शियम ऑक्साइड से हीट करेंगे तो अपने पास क्या होगा, नेफ्थलीन इज फॉर्म। तो यहाँ पे ये अपने पास ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और इसकी वजह से ये यहाँ पे इसकी आर बन जाएगी। तो कितना हो गया, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो कितने चाहिए, 1, 2, 3, 4। तो फोर कंडीशन से यहाँ पे अपने पास में हीटअप होकर यहाँ से ये जुड़ जाएगी। ठीक है, और रिंग फॉर्मेशन रिएक्शन, तो ये अपने पास में क्या होगा, रिंग फॉर्मेशन रिएक्शन है जिससे अपन नेफ्थलीन बना रहे हैं, किसकी प्रेजेंट में, कैल्शियम ऑक्साइड को जो अपन हीटअप कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपने पास रिएक्शन होगी किससे, 4-phenyl-1-butene। ये अपने पास हो गया। नेक्स्ट हॉवर्ड सिंथेटिस, हॉवर्ड सिंथेटिस जिसको याद रखना, ये नाम के अकॉर्डिंग अपने पास आ जाता है, इन इन्वॉल्व द 5 स्टेप। तो क्या कैसे हो रहा है अपने आप में हॉवर्ड सिंथेसिस के अकॉर्डिंग, ये अपन बनाएंगे बेंजीन से। तो बेंजीन को अपन सक्सिनिक एनहाइड्राइड, तो सक्सिनिक एसिड जो अपन बोलते हैं, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो 4 कार्बन वाला जो अपने पास सक्सिनिक एसिड है उसको जो अपन है एनहाइड्राइड फॉर्म उसकी अपन यूज कर रहे हैं। तो अब एनहाइड्राइड फॉर्म अपन जब यहाँ से बनाएंगे तो वो फॉर्म अपने पास में रिएक्ट कर रही है अपने पास, तो वो रिएक्ट करके बनाएगी 3-benzoyl, तो 3-benzoyl प्रोपियोनिक एसिड। तो 3-benzoyl प्रोपियोनिक एसिड अपन ने यहाँ आगे भी पढ़ा है, यहाँ पे 3-benzoyl प्रोपियोनिक एसिड बन गया। 3-benzoyl प्रोपियोनिक एसिड जो अपने पास बन रहा है हार्वर्ड्स प्रोसेस में, अब अपन इसको क्या कर रहे हैं, ट्रीटेड विद अमलगेटेड जिंक। तो अमलगम का मतलब क्या हो गया, Zn+Hg टू प्रोड्यूस द 4-phenyl-butanoic एसिड। तो 4-phenyl-butanoic एसिड ये अपने पास यहाँ बन जाएगा, जिंक का मतलब गम एसिडिक मीडियम में, तो 4-phenyl-butanoic एसिड हो गया। अब फोर्थ स्टेप में अपन क्या करें, इसी के अंदर थर्ड स्टेप के अंदर 4-phenyl-butyric एसिड हीटेड विद कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। तो कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से बनाएंगे तो यहाँ अपने पास बनेगा टेरेनॉन। ठीक है, जो जिसकी वजह से अपने पास क्या हो गया, ये रिंग क्लोज रिएक्शन होगी। ठीक है, तो ये याद रखना ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग टेरेनॉन बनेगा जहां से अपने पास क्लोज रिंग अपने पास बन जाएगी। तो यहाँ क्या हो गया, 4-phenyl-butanoic एसिड टेरेनॉन अपने पास बन गया। फोर्थ रिएक्शन में क्या हो गया, टेट्रालोन अपने पास जो अपने पास क्या है, टेट्रालोन अपने पास जो बन रहा है, ये टेट्रालोन अपने पास क्या होगा, अगेन इसको हीटअप कर रहे हैं जिंक अमलगम से। ठीक है, HG के फॉर्म में, तो ये अपने पास फिर अपने पास एक प्रोडक्ट बन जाएगा, 1, 2, 3, 4 टेट्राहाइड्रोनेफ्थलीन। ठीक है, जिसको अपन बोल रहे हैं टेट्रालीन। तो यहाँ पे जो इसका नाम है, इस नाम को अपन ने कैसे लिखा है, यहाँ पे हाइड्रोजन जब सेचुरेशन हो जाता है, तो अगर अपन फ्यूज रिंग में अगर नोमेनक्लेचर करते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन की पोजीशन अपन बता रहे हैं सेचुरेशन की। तो यहाँ सेचुरेशन की पोजीशन कहाँ है, पहले पे, दूसरे पे, तीसरे और चौथे पे। तो इसका मतलब सेचुरेशन में यहाँ पे एच 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 अपने पास यहाँ जुड़े हुए, तो उसको अपन ने यहाँ बताया, तो इसलिए अपन क्या करते हैं, टेट्राहाइड्रो हाइड्रोजन अपने पास जुड़ा है तो उसको अपन, तो एल्केन फॉर्म में अपन क्या कहते हैं, एल्कीन में अपन क्या बताते हैं, डबल बॉन्ड को बताते हैं, मगर फ्यूज रिंग में अपन क्या बता रहे हैं, हाइड्रोजन जो उसको सेचुरेटेड कर रहा है उसकी पोजिशन को अपन बताते हैं। इसलिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4 जो अपने पास नेफ्थलीन है उसके अंदर हाइड्रो है, तो टेट्राहाइड्रो नेफ्थलीन अपन जो बोल रहे हैं उसको बोल रहे हैं टेट्रालीन। अब टेट्रालीन जो अपने पास बना है, टेट्रालीन को फिर अपन रिएक्शन करा रहे हैं पैलेडियम से। तो पैलेडियम से अपन जब हीटअप करेंगे तो यहाँ पे जो सेचुरेशन है नेफ्थलीन का जो अपने पास 1, 2, 3, 4
टेट्राहाइड्रोनेफ्थलीन था वो अनसैचुरेटेड फॉर्म में बनेगा और इस तरीके से अपने पास नेफ्थलीन का फॉर्मेशन हो जाना है। ठीक है, तो इसको अपन बोल रहे थे हावर्ट्स प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। हावर्ट प्रोसेस के अंदर फर्स्ट स्टेप के अंदर बेंजीन है, सक्सिनिक एसिड रिएक्शन करके 3-बेंजोप्रोपियोनिक एसिड बन रहा है, फिर बेंजोइक एसिड को अपन जिंक अम्ल से रिएक्शन करा के 4-फिनाइल ब्यूटेनोइक एसिड बनाएंगे, फिर 4-फिनाइल ब्यूटेनिक एसिड यहाँ पे अपने पास सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट होगा एटम के फॉर्म में और टेट्रालोन बनेगा। टेट्रालोन से अपने पास यहाँ पे रिंग फॉर्मेशन हो गया, तो ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग टेट्रालोन को याद रखेंगे। टेट्रालोन से वापस अपने जिंक अम्ल से रिएक्शन कराया तो 1, 2, 3, 4 टेट्राहाइड्रोनेफ्थिलीन बनेगा, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, ये अपने पास में हाइड्रोजन की पोजीशन बता रहे हैं कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4 पे हाइड्रोजन अटैच हुआ है। ठीक है, तो हाइड्रोजन अटैच होने का मतलब यहाँ पे जब नेफ्थिलीन के अंदर अगर अपन हाइड्रोजन अटैच करेंगे तो हाइड्रोजन कहाँ कहाँ अटैच होता है उसकी अपन पोजिशन को बताने के लिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4 यूज करते हैं। तो इसको अपन ने टेट्रालीन बोला। टेट्रालीन को अपन क्या कह रहे हैं, वापस अपन ने जो अपने पास ये जो सैचुरेटेड था उसको अपने अनसैचुरेटेड यूज करने के लिए पैलेडियम से जब हीट करेंगे तो ये नेफ्रिन अपने पास बन जाएगा। तो इस तरीके से अपन ने हार्वर्ड प्रोसेस को कंप्लीट किया। ठीक है, तो यहाँ अपन ने क्या देखा, आज नेफ्रिन के अंदर सबसे पहले अपने नेफ्रिन का स्ट्रक्चर को स्टडी किया, नॉमनक्लेचर कैसे करते हैं, जॉइंट की तरफ कभी भी नंबरिंग नहीं देंगे। ठीक है, उसके बाद कोलतार से इसको आइसोलेट किया, कितना टेम्परेचर लिया 160 to 230। इसके बाद इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को स्टडी किया। फिजिकल प्रॉपर्टी में अपन ने इसके मेल्टिंग पॉइंट को याद रखना है 80 और 218 को अपन को